आईटीआई प्रांगण में 30वां ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले के अवसर पर मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारी इस क्षेत्र की सीएमएस सुषमा नेगी जी, जिनको जब भी फोन करो कोई बात का है तो उसका तुरंत हम लोगों को समाधान मिलता है। और कोरोना काल में जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम इस खटीमा के लिए किया, उस विषम परिस्थिति में जब सब लोग घरों में बैठे हुए थे तब निकल के आ रहे थे, ऐसे हमारे डॉक्टर बीपी सिंह जी, डॉक्टर संदीप जी यहाँ पर उपस्थित, खटीमा हॉस्पिटल के समस्त डॉक्टर और रुद्रपुर से आए हमारे और सभी स्टाफ के लोग, डॉक्टर हमारे एएनएम आशा कार्यकर्ता, आप सब लोगों का पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि कोरोना काल में आप सब लोगों ने भी इस खटीमा को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोगों ने निभाई है। उस बुरे समय पर जब सब लोग घरों में छिप रहे थे तो आप बहुत हिम्मत कर निकल रहे थे और लोग अपने प्रियजनों को भी अस्पताल नहीं ले जा रहे थे, लेकिन आप दूसरे लोगों को भी ले जाकर दिखा रहे थे। आप सब लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद। और इस स्वास्थ्य मेले के आयोजन के लिए मैं जो है धन्यवाद करता हूं कि ऐसे आयोजन लगातार ब्लॉक के अलग अलग हिस्सों में होते रहने चाहिए, जैसे डॉक्टर पीपी सिंह जी बता रहे थे और मैं अभी सुषमा नेगी मैडम साहब के साथ घूम रहा था यहाँ पर, तो एक ही प्रांगण के अंदर सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, चाहे हमारे विकलांगों का हो या मानसिक रोग हो, उनके विकलांग सर्टिफिकेट बनना हो, सारे लोग एक जगह पर उपस्थित हैं। मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बन रहा है, स्मार्ट कार्ड बन रहा है, जिसे आप कहीं भी दिखा सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं तो यहाँ पर मिल रही है। मैं कहूंगा कि अगली बार से जब आप ऐसे मेले लगाएंगे तो हम लोगों को भी जरूर उसमें उस दिन पहले से बताएं कि जिसका प्रचार प्रसार और व्यापक रूप से हो सके और खटीमा क्षेत्र के और ज्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। 200 से अधिक जांचें जैसे बताया अभी यहाँ पर मुफ्त हो रही है। जो गरीब आदमी है, जो सामर्थ्यवान नहीं है और सारी जांचें नहीं करा सकते, उन सबके लिए भी ये एक विशेष मौका है कि अगर मन में कोई ऐसी असंतुष्टि है तो सारे डॉक्टर भी उपस्थित हैं और यहाँ दवाइयाँ भी मुफ्त में मिल रही हैं। और मैं ऐसे मेलों के आयोजनों से एक आम आदमी को विशेष फायदा होता है। और मैं मैडम से कहा ये निवेदन करूँगा कि और भी एरिया में आ जाए, आईटीआई में लगाया तो अगली बार पिछुआ की तरफ कभी द्रोरी कभी बंडिया मेला घाट हर हिस्से में अलग अलग समय पर ऐसे स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाए, जिससे कि हम लोग वहां जाकर जो आम आदमी है उनको स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण सुविधाएं दे सकें, जानकारी दे सकें और जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में दवाइयाँ और उनकी जाँचें हो सकें। मैं आपको पुनः इस सफल मेले के आयोजन के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के साथ सहयोग में जहां जहां हमारी जरूरत रहेगी, मेरी जरूरत रहेगी, मैं आपके साथ हमेशा उपस्थित रहूंगा और जो मेरे से बन पड़ सकता है, जो हम कर सकते हैं आपके सहयोग में, आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर आप सब लोगों का उसमें सहयोगी बनकर काम करूंगा। आप सबका पुनः इस मेले में मैं स्वागत भी करता हूं और आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।